हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निक्स इन बायोटेक्नोलॉजी की आज की क्लास में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। तो आइए देखते हैं क्या होती है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। तो देखिए, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी के बारे में पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग ले लेते हैं। तो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी का इन्वेंशन जो है 1986 में बेनिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने किया, और ये आईबीएम रिसर्च ग्रुप में जो है काम करते थे। कहाँ पे? ज़ोरिच में। ज़ोरिच में इनकी जो है लैब थी। और इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये माइक्रोस्कोप, इसको जो है हम ना ही इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप में क्लासिफाई कर सकते हैं बेसिकली, और ना ही हम इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये इसका मतलब कि ये इसके बारे में एक ख़ास बात है। बट इसमें ये चीज़ है कि इसमें कुछ जो है लेज़र का यूज़ होता है, तो इसलिए इसको कभी कभी हम लाइट माइक्रोस्कोपी में भी क्लासिफाई कर देते हैं। लेकिन एक्चुअली ना ही ये कोई लाइट माइक्रोस्कोप है और ना ही ये कोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। दूसरी चीज़ क्या है कि इस माइक्रोस्कोप में बहुत सारे अंतर हैं जो बाकी के माइक्रोस्कोप्स हमने पढ़े हैं, जो बाकी के माइक्रोस्कोप में और इसमें जो है बहुत सारे अंतर हैं, इसीलिए ये उन माइक्रोस्कोप से डिफरेंट है। तो देखिए क्या क्या डिफरेंस है इसमें। इसमें कोई भी एल्यूमिनेशन सोर्स नहीं होता। मतलब जैसे कि लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट जो है वो एक एल्यूमिनेशन सोर्स होती है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन एक इल्यूमिनेशन सोर्स होता है, लेकिन इसमें कोई भी इल्यूमिनेशन सोर्स नहीं होता। मतलब हमें इमेज बनाने के लिए किसी भी तरीके की ना ही लाइट की ज़रूरत है, ना ही हमें जो है इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, इसमें कोई लेंस नहीं होता। इसमें ना ही कोई ऑप्टिकल लेंस होता है, ग्लास का लेंस जैसे कि लाइट माइक्रोस्कोप में होता है, और ना ही कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होता है जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में होता है। इसीलिए इसमें कोई भी ना ही ऑब्जेक्टिव होता है, ना ही आईपीस होता है, ना ही इसमें कोई कंडेंसर होता है। अच्छा, इसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती। इसके साथ ही इसमें कोई भी स्टेनिंग करने की जो है वो ज़रूरत नहीं होती, किसी भी तरीके के सैंपल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, और इसमें कुछ भी फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ फोकस से मतलब ये है कि लेंसेस को आपस में जो है लाइट को या इलेक्ट्रॉन सोर्स को जो है पास करके, और जो हम इमेज बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम फोकसिंग कहते हैं। तो यहाँ इस तरीके की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और इसका काम क्या होता है कि ये एक तरीके से स्कैन करता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस को स्कैन करता है, और ये उसकी हाइट पता कर सकता है, और उसकी मतलब कि जो सरफेस पे उसके जो उभार हैं या कुछ भी जो है उसमें थोड़े से जो गड्ढे टाइप के हैं, वो सारी चीज़ें जो है ये पता करने के लिए यूज़ होता है। मतलब किसी सरफेस स्ट्रक्चर को हमें अगर जानना हो तो ये माइक्रोस्कोप बहुत अच्छी तरीके से उसको जो है ये इंफॉर्मेशन लेता है। तो ये हाइट की इंफॉर्मेशन ले सकता है, वॉल्यूम ले सकता है, विड्थ ले सकता है सैंपल की। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कर सकता है। इसमें क्या है कि एक फिज़िकली जो है फिज़िकली इसमें डिटेक्शन होता है। कैसे होता है कि इसमें एक शार्प प्रोब होता है, और ये प्रोब जो है, प्रोब मतलब एक पॉइंट होता है, एक जैसे सुई की तरह जो है एक पॉइंट होता है, और उसी को जो है हम सैंपल के ऊपर जो है मूव कराते हैं, तो उसी से जो है ये डिटेक्शन करता है। कैसे करता है ये हम आगे की स्लाइड्स में जो है वो डिस्कस करेंगे। और इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर लेवल के जो है मतलब डिटेक्शन होता है, तो इसीलिए इसका जो है रेजोल्यूशन बहुत हाई होता है। मतलब ये जो है बहुत ही मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर्स को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकता है, या इसका रेजोल्यूशन कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि बहुत ज़्यादा होता है। तो आइए देखते हैं क्या होती है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी डिटेल में, इसकी वर्किंग क्या होती है। तो देखिए क्या है कि एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप जो है एटॉमिक स्केल का इसमें रिजोल्यूशन होता है। मतलब एक एटम तक को ये जो है आइडेंटिफाई जो है कर सकता है। इसका रिजोल्यूशन इतना ज़्यादा होता है कि एक तरीके से हम एक एटम की इमेज को भी इसमें हम देख सकते हैं। ये क्या यूज़ करता है? एक एटॉमिकली शार्प टिप, जिसको कि हम प्रोब भी कहते हैं, उसका ये यूज़ करता है। एटॉमिकली शार्प टिप का मतलब वो टिप इतनी पतली होगी कि वो एक एटम के बराबर पतली होगी, इतनी पतली जो है वो टिप होगी। और इसमें क्या करेंगे, वो टिप जो है
हम क्या करेंगे, किसी भी सरफेस जिसको हमें स्कैन करना है उसके आसपास जो है मूव करेंगे। देखिए इस फिगर में क्या बताया जा रहा है, इस फिगर में ये हमारा स्पेसिमेन है जिसको हमें जो है डिटेक्ट करना है। अब हम इसके पास क्या हुआ, ये एटॉमिकली एक शार्प टिप है हमारे एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप की, इसको हम इसके ऊपर क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं ये इस तरीके से। तो हम इसको मूव करा रहे हैं, तो इसमें जितने भी उभार हैं और जितने भी इसमें जो है ट्रॉफ्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें जो है डिटेक्ट हो जा रही हैं। एटॉमिक स्केल की ये जो टिप होती है, ये एक जो है कैंटिलीवर से जो है अटैच होती है, और ये कैंटिलीवर के थ्रू अटैच होती है और उसी से मूव होती है। कैंटिलीवर क्या होता है, देखिए बच्चों, कैंटिलीवर ये होता है कि जिसका जो एक साइड से सपोर्ट में हो, जैसे कि ये है, जैसे कि हमारी बीम होती है छत की, और जैसे हमारे यहाँ जो थोड़ा सा निकला हुआ पार्ट होता है छत का, तो इसमें क्या होता है, ये एक साइड से सपोर्ट में होता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम जो है कैंटिलीवर का स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये जो है कैंटिलीवर के थ्रू यहाँ पे ये टिप जो है अटैच रहती है, ये टिप जो कैंटिलीवर के थ्रू अटैच रहती है, और ये टिप स्कैन करती है पूरा हमारे सरफेस को स्पेसिमेन के, और उसके बाद ये आगे आगे मूव करती है, और एक लेज़र बीम जो है इस टिप पे जो है पड़ती रहती है, और जैसे जैसे ऊपर नीचे होती है ये टिप, तो लेज़र बीम जो है ये डिटेक्ट करती है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि इस टिप को, ये टिप जो है मूव क्यों करती है, ये टिप मूव इसलिए करती है क्योंकि बहुत सारे इंट्रैक्शंस होंगे टिप के बीच में और हमारे स्पेसिमेन की सरफेस के बीच में। ये कैसे अट्रैक्शन, ये हो सकते हैं अट्रैक्शंस हो सकते हैं या रिपल्शंस हो सकते हैं, जैसे कि वॉन्डर वाल के इंट्रैक्शंस होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी वजह से हमारी जो है वो टिप जो कैंटिलीवर से अटैच होती है वो सरफेस के ऊपर मूव करती है, और उसके बाद क्या होता है, एक लेज़र लाइट होती है। तो लेज़र लाइट क्या होती है, लेज़र लाइट हमारी इस टिप पे जो है हमारी पड़ती रहती है, तो जैसे जैसे ये मूव करता है वैसे वैसे लेज़र की लाइट भी जो है ऊपर नीचे होती है, और उसके बाद फिर जो है इसकी जो है इमेज जो है वो एक स्क्रीन पे फॉर्म होती जाती है। देखिए यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होगा किसके किसके बीच में, बिटवीन द सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन एंड द टिप ऑफ द डिटेक्टर। तो इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस होंगे, वॉन्डर वॉल इंट्रैक्शंस होंगे टिप और सैंपल के बीच में, तो इस फोर्स से जो है टिप मूव करेगी, अप और डाउन मूव करेगी, और इससे जो है जहाँ पे भी सैंपल में अप और डाउन होगा वहाँ वहाँ ये अप और डाउन की तरह मूव करेगी, और लेज़र बीम जो है वो चेंजेस को जो है टिप के मूवमेंट के जो चेंजेस हैं उनको डिटेक्ट करेगी, और लेज़र बीम या तो रिफ्लेक्ट होगी और या तो डिफ्रैक्ट होगी, डिफ्रैक्ट या रिफ्रैक्ट रिफ्लेक्ट होगी टिप से कैंटिलीवर पे जो टिप अटैच है उससे लेज़र बीम या तो रिफ्लेक्ट होगी और या तो डिफ्रैक्ट होगी और जो है इमेज बनाएगी। इसका मतलब ये देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो टिप का मूवमेंट है वो सरफेस पे, वही जो है वो एक टोपोग्राफिक मैप जो है सरफेस का देगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो देखिए टिप जो है तीन तरीके से मूव कर सकती है, एक तो एक्स डायरेक्शन, एक एक्स डायमेंशन में, एक्स डायमेंशन में, वाई डायमेंशन में, दो डायमेंशंस में जो है एक्स और वाई डायमेंशंस में भी मूव कर सकती है, और दूसरा जो अप और डाउन मूव करेगी, तो ये अप और डाउन मूव करने को हम जेड डायमेंशन कहेंगे। तो टिप जो है जैसे जैसे हमारी मूव करेगी तो वो अप डाउन टिप जो है मूव करेगी, जिसको हम जेड डायमेंशन कहते हैं। तो टिप का जो जेड डायमेंशन में मूवमेंट है उसको जो है हम यहाँ पे डिटेक्ट करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, थैंक यू।